ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम से बचना हो या फिर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हो, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हम खाते रहते हैं जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। पर आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसे यकीन मानिए, दिसंबर के महीने में 15 दिन खा लीजिए, आपको पूरे साल किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी जुकाम तो कोसों दूर रहेंगे ही, वायरस भी आपको छू नहीं पाएगा। तो चलिए फिर इस औषधीय रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाने को अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर इसे काम में लीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और इसके बाद में एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। दरदरा सा दलिया बनाना है हमें इसे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मेथी में अपने एक औषधीय गुण होते हैं जिसके कारण से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है और हमें इससे शरीर को गर्मी भी मिलती है, तो ये हमें सर्दियों के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। तो ये जो दलिया हमने पीस कर रखा है मेथी का, इसमें हमने 1 गिलास दूध डाल दिया है। एक कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें दूध डाल लीजिए। अभी हमें और दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। अभी ये देखिए थोड़ा सूखा है, अभी हमें 1 गिलास दूध और डाल देना है। इसे अच्छी तरह से भिगोना है। तो 2 गिलास मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। 250 ग्राम मेथी दाना है, इसे पीस कर इस तरह से पाउडर बना लेना। फिर 2 गिलास हमने इसमें दूध डाला है। आप चाहें जितनी थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है दूध, तो इसे हमें 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इस तरह से भिगो कर रख देना है। और ये देखिए बिल्कुल सोख कर चुका है ये दूध को, 5 से 6 घंटे मैंने बाद इसको संभाला है। सुबह हो चुकी है, रात को भिगोया था। और इस तरह से बस इसे, ये इस तरह से दरदरा सा हो जाएगा, बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे भारे तले की और उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। और इसके बाद में हमने जो दलिया भिगो कर रखा है मेथी दाने का, वो हम इसमें डाल देंगे और बस इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से घी अलग ना हो जाए। इसे इस तरह से भूनना है कि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। और मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है फ्रेंड्स। ये धीरे धीरे घी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। फ्रेंड्स मेथी जो है वो 30 साल की उम्र के बाद के लोगों को ज़रूर खानी चाहिए सर्दियों में, ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो दुखे नहीं। कई बार जो घुटने हैं उनमें दर्द होने शुरू हो जाता है, तो आप अगर ये हर साल खाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। और ये देखिए अच्छे से खुशबू आने लगी है। इस प्रोसेस से अगर आप मेथी के दाने के लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और ये हमारा जो घी है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे एक बड़ी प्लेट लेंगे, थाली लेंगे, परात जो भी है उसमें निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ नारियल का बुरादा। तो जो खोपरा आता है ना उसे मैंने क्रश कर लिया है इस तरह से। और फिर इसमें गरम गरम में इसे डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। बस इसे इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो गरम गरम जो हमारी मेथी है उसमें ये जो नारियल का बुरादा है ये भी थोड़ा सिक जाए। इसके बाद में उसी कढ़ाई में हमें और घी डालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी का और डाल दिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे गोंद। तो ये गोंद देखिए इस तरह से मैंने छोटा वाला गोंद लिया है, बड़ा साइज़ का भी ले सकते हैं तो उसे फोड़ने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से छोटा जो गोंद होता है वो ले लीजिए और घी को गर्म करके उसमें थोड़ा थोड़ा गोंद इस तरह से डाल दीजिए। और बस ये धीरे धीरे फूलकर ऊपर आने लगेगा। तो 5 से 6 सेकंड हो जाने के बाद में बस इसे हम निकाल लेंगे और हाथ से क्रश करके देखेंगे कि ये पक चुका है या नहीं। तो हाथ से इसे क्रश करना है तभी जाके आपको पता चलेगा कि गोंद हमारा सिका है या नहीं। अब मैं देखिए इसे थोड़ा सा क्रश करके देखती हूँ, तो ये इस तरह से बिल्कुल पीस रहा है। तो बस हमारा गोंद जो है वो सिक कर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से सारा गोंद जो है हम सेक लेंगे। गोंद बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों वाला होता है, इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। राजस्थानी मारवाड़ी जो लोग हैं वो इसे ज़रूर हर सर्दी में गोंद के लड्डू बनाते हैं। और ये सारा गोंद हमने सेक लिया है इस तरह से, और उसे भी मेथी में ही मिक्स कर दीजिए। जहाँ पर मेथी और नारियल हमने निकाला था उसी परात में इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये गोंद मैंने लिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम गोंद है। अब काफ़ी सारा था ये, मैंने अलग छोड़ लिया है इसे, क्योंकि मैं हर सर्दी में इस तरह से बहुत सारे लड्डू बनाती हूँ
और ये मैंने छोटी परात में आपको दिखाया है। तो उसी कढ़ाई में हमें और घी डालना है, यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने घी और डाल दिया है। और इसमें डालेंगे 250 ग्राम के लगभग बादाम, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट और भी हैं आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे भून लीजिए इस तरह से। तो ये सारे बादाम हमारे भून चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। सारे बादाम को इस तरह से निकाल लीजिए, बस थोड़ी सी देर भुनना है इसे, लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये क्रंची बादाम बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें सारे के सारे बादाम जो है उन्हें हम इस तरह से पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा सा पीसना है, अगर आप चाहें तो इन्हें कट भी कर सकते हैं। तो ये बादाम मैंने पीस लिए हैं, अब इसे उसी मेथी में डाल देंगे जहाँ पर हमने मेथी और गोंद को डाला है। तो बस इसे इसमें मिक्स कर दीजिए, सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके छोड़ देना है साइड में। अब हम क्या करेंगे, दूसरी उसी कढ़ाई में हमें और घी डालना है। यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो घी लिया था फ्रेंड्स, और धीरे धीरे करके हमने यहाँ पर 1.25 किलो घी डाल चुके हैं। तो इसमें हम आटा सेकेंगे। अब आटा मैंने लिया है यहाँ पर 0.5 किलो, यानी कि 500 ग्राम आटा लिया है, आप चाहें जितना ले सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 2 किलो आटा यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 किलो घी का लड्डू बनाया है, और मैं थोड़े थोड़े आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है वीडियो में। तो बस इसे सेक लेंगे इस तरह से, धीमी आँच पर हमें इसे लगातार चलाते हुए सेकना है, बिल्कुल धीमी आँच पर सेकेंगे इसको, और घी सेपरेट होने तक हमें इस आटे को सेकना है। ये जो गोंद के लड्डू होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मेथी डल गई तो ये कड़वे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बच्चों को ज़रूर दीजिए आप इस तरह की चीज़ें 1 गिलास दूध के साथ। हम राजस्थानी लोग हैं, वो हमेशा ही हर सर्दी में इन लड्डुओं को बनाते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनके गाँव के लोगों की उम्र भी 100 साल से ऊपर होती है। कई जो लोग होते हैं वो इसी तरीके के लड्डू खाते हैं, तो तभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और ये हमारा आटा है, ये भी सीख चुका है अच्छी तरह से। अब हमने आटे को इसी मिक्सचर में डाल दिया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे सौंठ। सौंठ में बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, जिंजर पाउडर भी बोलते हैं इसे, तो इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी बाहेबादी वगैरह, गैस की प्रॉब्लम वगैरह, कुछ भी इस तरह का जो भी कोई आपके पेट की प्रॉब्लम है, तो वो इससे समाधान हो जाएगा। आप इसे ज़रूर से इस लड्डुओं के अंदर डालें, ताकि आपकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और बस इसके अंदर हमें डालनी है 1 किलो के लगभग चीनी। तो यहाँ पर बूरा चीनी मैंने ली है, बूरा चीनी ही लीजिएगा फ्रेंड्स, जो घर की चीनी होती है उसे पीस कर बिल्कुल मत डालिएगा, वरना इसमें चाशनी बन जाएगी। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी मिलाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 0.5 किलो आटा डाला था, और ये सारी सामग्री का जो है वो मैं चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं, ऐसी ऐसी 3 थालियाँ बनाई हैं मैंने। तो इस तरह से बस इसे मिक्स कर लीजिए, और ये बस मिक्स हो गया है, ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। और बस इसके धीरे धीरे इस तरह से हाथों से लड्डू बना लीजिए। देखा कितनी आसानी से हमने ये गोंद, सौंठ और मेथी के लड्डू यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और फ्रेंड्स, ये 1.5 महीने तक आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो काफ़ी सारी बड़ी सारी टंकी में बनाकर छोड़ देती हूँ, और हर टाइम पे इसे खाया जा सकता है, कभी भी किसी भी वक्त आप इसे खा सकते हैं। वैसे सुबह के टाइम पे खाना अच्छा रहता है, 1 गिलास दूध और 1 लड्डू, 1 मील के बराबर ये होते हैं, मतलब आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं, और सुबह नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, अब इसे आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल सकते हैं, या इस तरह की कोई टंकी हो तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मारवाड़ी गोंद के लड्डू की रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे, थैंक यू।